हेलो एवरीवन वन मेट्रिक स्पेसिस में आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड मेट्रिक इंड्यूस्ड मेट्रिक हमारे पास क्या होता है लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस ऑन द सेट एक्स वी डिफाइन ए न्यू मेट्रिक डी स्टार विद द हेल्प ऑफ द गिवन मेट्रिक डी दिस न्यू मेट्रिक डी स्टार इज नॉन एज मेट्रिक इंड्यूस्ड बाय डी सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो देखो इंड्यूस्ड मेट्रिक हमारे पास क्या होती है हमें एक मीट्रिक गिवन है एक्स डी मीट्रिक स्पेस है इस मीट्रिक की हेल्प से हमें एक नई मीट्रिक बनानी है उस मीट्रिक को नाम देते हैं डी स्टार जो इस मेट्रिक की हेल्प से जो नई मीट्रिक आएगी डी स्टार इस मीट्रिक को बोलते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक ठीक है यानी कि हमें करना क्या है हमारे पास एक मीट्रिक ऑलरेडी गिवन होगी उस मीट्रिक की हेल्प से एक नया डिस्टेंस फंक्शन डी स्टार डिफाइन होगा उसको हमें प्रूव करना है कि वो मीट्रिक बनता है और अगर वो मीटरिक बन जाता है तो ये डी स्टार बन जाती है इंड्यूस्ड मीट्रिक ठीक एग्जाम्पल करते हैं लेट एक्स डी बी या स्पेस डिफाइन डी स्टार अब देखो यहाँ पे एक्स डी डी ऑलरेडी मीट्रिक डी है क्योंकि मीट्रिक स्पेस है ना तो डी यहाँ पे ऑलरेडी मीट्रिक है अब उसने डी स्टार डिफाइन किया है फ्रॉम एक्स क्रोस एक्स टू आर कैसे डिफाइन कर रखा है डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ टू कॉमा डी एक्स वाई देखो अब इसने पुरानी मीट्रिक की हेल्प ली पुरानी मीट्रिक की हेल्प से उसने डी स्टार को डिफाइन किया और अब वो कह रहा है कि क्या ये डी स्टार मीट्रिक है अगर ये डी स्टार मीट्रिक बन जाता है तो ये स्टार कैसी हो जाएगी? Induced हो जाएगी, जाएगी, ठीक है तो by the definition, हमें करना क्या है हमें सिर्फ यही काम करना है है। कि इस पे चारों को satisfy कराना है। तो मीट्रिक की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डी स्टार एक्स वाई है वो ग्रेटर टू तो जीरो तो पॉजिटिव है ही ग्रेटर देन जीरो है, डी क्योंकि ऑलरेडी मीट्रिक है डी तो डी तो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ना तो डी तो क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा टू भी पॉजिटिव है डी भी पॉजिटिव है तो अगर उन दोनों का मिनिमम उठाएंगे दोनों में से कोई सा भी मिनिमम हो जाए वो भी पॉजिटिव ही रहेगा मीन्स ये सारी टर्म पॉजिटिव इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्टार ऑफ एक्स वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है हमें प्रूव करना होता है डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली लिफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो एक कंडीशन उठा के चलो डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स बाय द डेफिनेशन मिनिमम ऑफ टू को मैं डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो अब देखो मिनिमम में जो भी आपके पास आएगा अगर टू मिनिमम आता तो टू तो ज़ीरो हो नहीं सकता इट मीन्स हमारे पास हो गया क्या डी एक्स वाई ही जीरो होगा ठीक है टू तो नॉट इक्वल टू तो ज़ीरो है तो डी एक्स वाई ज़ीरो और क्योंकि डी तो मीट्रिक है और डी एक्स वाई जीरो होते ही हमारे पास मीट्रिक की दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई ठीक है तो यहाँ से हमारे पास डी स्टार के लिए भी क्या आ गया कि डी स्टार जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थर्ड कंडीशन देखो डी स्टार ऑफ एक्स वाई दिस इज डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ टू कोमा डी एक्स वाई अब डी तो मीट्रिक है डी मीट्रिक है तो तीसरी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा ऑलरेडी ठीक है डी एक्स वाई इजल टू डी वाई एक्स तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ टू कोमा d y x this is equals to d star of y comma x चौथी प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए होता है तीन पॉइंट्स उठाने होते हैं x y z हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि d star of x y is less than equals to d star x z plus d star z y ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है अब जो डेफिनेशन गिवन है d star की d star की डेफिनेशन क्या गिवन है d star is equal to minimum of two comma d x y अब देखो अगर मिनिमम टू हुआ डिफाइन कैसे है डी स्टार हमारे पास डिफाइन है डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टू कॉमा डी एक्स वाई अगर तो इन दोनों में से टू छोटा हुआ टू छोटा हुआ दोनों में से तो क्या हो जाएगा डी एक्स वाई का आंसर कितना आ जाएगा टू आ जाएगा लेकिन अगर हमारे पास टू की जगह डी एक्स वाई छोटा हुआ तो डी स्टार ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा डी एक्स वाई आ जाएगा अब अगर यहाँ पे डी स्टार ऑफ एक्स वाई डी एक्स वाई है यानी कि हमारे पास देखो है क्या डी एक्स वाई इस केस में हमने डी एक्स वाई को मिनिमम उठाया है इस केस में हमने टू को मिनिमम उठाया है अगर डी एक्स वाई टू मिनिमम है तो इक्वल टू टू तो आ जाएगा इट मीन्स अगर यहाँ से देखें अगर ये छोटा हुआ तो टू अपने आप बड़ा हो गया टू बड़ा हो गया तो डी एक्सटार एक्स वाई क्या हो जाएगा लेस देन टू और अगर ये मिनिमम हो गया ये मिनिमम है तो इट मीन्स डी एक्स वाई बड़ा है और अगर डी एक्स वाई बड़ा है तो डी स्टार इससे क्या हो जाएगा छोटा तो यहाँ से हमारे पास दोनों कंडीशन आ जाएंगी डी स्टार ऑफ एक्स वाइज टू टू लेस इक्वल टू टू एंड डी स्टार ऑफ एक्स वाइज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई ठीक है यह चीज समझ में आई अब यहाँ से देखो इसका मतलब डी स्टार ऑफ एक्स वाई या तो लेस देन इक्वल टू टू होगा या लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई होगा अब जो ये चीज हमें प्रूफ करनी है इसके लिए उठा के चलो देखो ये भी डी स्टार है ये भी डी स्टार है तो अगर डी स्टार में हम यही उठाएं कि या तो डी स्टार टू के इक्वल होगा या फिर ये डी स्टार नॉट इक्वल टू टू होगा तो दो केस बनते हैं या तो डी स्टार एक्स जेड भी टू होगा डी स्टार जेड वाई भी टू होगा अगर ये दोनों टू हो गए तो ऑब्वियसली क्या है टू हमारे पास छोटा होता है टू इज लेस देन इक्वल्स टू टू प्लस टू ये निक्वालिटी तो होती ही है तो इस टू की जगह उठा के रख दो डी स्टार एक्स जेड और इस टू की जगह रख दो डी स्टार जेड वाई ठीक है यहाँ तक आ गया और यहाँ से हमने ये भी केस निकाला है कि डी स्टार ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू टू है इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा डी स्टार ऑफ एक्स वाईज लेस टू डी तो स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई तो एक केस में तो ये ट्रू होगा दूसरा केस लो अगर हमारे पास ये डी स्टार भी नॉट इक्वल टू टू है ये वाला डी स्टार भी नॉट इक्वल टू टू है अगर डी स्टार एक्सड नॉट इक्वल टू टू है तो बचा क्या बाय द डेफिनेशन डेफिनेशन में तो दो ही चीजें हैं ना या तो डी स्टार जो है इक्वल्स टू मिनिमम में टू के इक्वल आएगा या डी के इक्वल आएगा तो अगर डी स्टार ऑफ एक्सड टू के इक्वल नहीं है तो किसके इक्वल जाएगा डी एक्स जेड के डी स्टार ऑफ जेड वाई टू के इक्वल नहीं है तो किसके इक्वल जाएगा डी जेड वाई के अब डी स्टार ऑफ एक्स वाई बाई दिस डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई डी एक्स वाई से लेस देन इक्वल टू है बट डी तो क्या है मीट्रिक है डी मीट्रिक है चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई इसकी जगह रख दो डी स्टार एक्सड इसकी जगह रख दो डी स्टार जेड वाई तो हमारे पास क्या आ गया डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स एड प्लस डी स्टार जेड वाई इट मीन्स डी स्टार इज अ मेट्रिक ऑन एक्स हमारे पास आ गया ठीक है मीट्रिक एक्स आ गया तो डी स्टार कैसी बन जाएगी इंड्यूस्ड मीट्रिक आ जाएगी अब देखो जो ये हमने एग्जाम्पल किया है इस एग्जाम्पल में यहाँ पे प्रॉपर टू दे रखा है इस टू की जगह आपको कोई भी रियल नंबर गिवन हो सकता है थ्री फोर फाइव सिक्स इन जनरल आप यहाँ पे बी लेके भी चल सकते हो ठीक है तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये टू से ही आएगा किसी भी नंबर से आ सकता है प्रोसीजर आपका सेम रहेगा तो इसकी जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो टू की जगह और अगर बी ले लोगे इन जनरल तब भी हमारे पास ये डी स्टार कैसी रहेगी इंड्यूस्ड मेट्रिक ही रहेगी या फिर जो हमने यहाँ पे डी स्टार डिफाइन किया था ये डी एक्स वाई से डिफाइन किया था अगर हम इसको मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से डिफाइन करेंगे तब भी हमारे पास ये मीट्रिक ही रहेगी नेक्स्ट है हमारे पास एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस के बी यानी नंबर रियल एंड पॉजिटिव देन एक्स डी के इज अ मीट्रिक स्पेस वे डी के एक्स वाई इक्वल टू के डी एक्स वाई अब ये भी इंड्यूस्ड मीट्रिक है डी के जो है नई मीट्रिक डिफाइन करी है विद द हेल्प ऑफ डी ठीक है इस हेल्प से हमने इसको डिफाइन किया है तो ये इंड्यूस्ड मेट्रिक बनेगी तो पहले तो इसको देखो ये मेट्रिक बनती भी है या नहीं बनती पहली प्रॉपर्टी के लिए इसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा अब देखो बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है डी डी तो मेट्रिक है हमेशा पॉजिटिव रहेगा के कैसा है रियल एंड पॉजिटिव रियल एंड पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव दोनों की मल्टीप्लाई करोगे वो भी पॉजिटिव इट मीन्स डी के ऑफ एक्स वाई इज़ पॉजिटिव ठीक है तो पहला पार्ट हो गया डी के एक्स वाई इज पॉजिटिव दूसरे के लिए क्या करते हैं हम डी के एक्स वाई को जीरो लेके चलते हैं डी के एक्स वाई को जीरो लेने का मतलब क्या है के डी एक्स वाई ज़ीरो अब के तो पॉजिटिव है ये तो जीरो हो नहीं सकता इट मीन्स डी जीरो होगा और डी जीरो होगा डी मीट्रिक है तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा ठीक है तीसरी प्रॉपर्टी डी के एक्स वाई कैसे डिफाइन है के डी एक्स वाई की फॉर्म में डिफाइन है यहाँ से डी तो मीट्रिक है मीट्रिक है तो क्या हो जाएगा डी वाई एक्स हो जाएगा यानी कि डी के ऑफ वाई एक्स बन जाएगा हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी के लिए हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए एक्स वाई जैन यहाँ से हम ले सकते हैं डी के ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन है के डी एक्स वाई लेकिन डी मीट्रिक है तो चौथी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डी ऑफ एक्स वाई किस से लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से और के क्योंकि एज इट इज़ मल्टीप्लाई में है तो हमने एज इट इज मल्टीप्लाई में रख दिया इसको लिख सकते हैं के इन टू डी एक्स जेड प्लस के इन टू डी जेड वाई और ये बाई डेफिनेशन क्या बनेगा डी के एक्स जेड प्लस ये डी के जेड वाई तो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी इट मीन्स डी के इज ऑल्सो अ मेट्रिक दैट इज़ इंड्यूस्ड मेट्रिक नेक्स्ट है प्रूव that if एक्स डी इज अ मेट्रिक स्पेस एंड X Y Z आर पॉइंट्स ऑफ X दैन D X Y इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू मोर डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई अब देखो यहाँ हमें कोई मेट्रिक नहीं प्रूव करना हमें सिर्फ एक कंडीशन प्रूव करनी है डी हमें ऑलरेडी मेट्रिक गिवन है अब देखो हमें निकालना है एक्स जेड और जेड वाई का डिफरेंस ठीक है बट हमारे पास मीट्रिक की चौथी प्रॉपर्टी प्लस में चलती है तो पहले तो ना इसको हमें प्लस में लेके जाना पड़ेगा अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास होती क्या है चौथी प्रॉपर्टी होती है डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई मीन्स मतलब क्या है कि इस एक्स और वाई के बीच में हम एक जेड इंट्रोड्यूस करते हैं एक्स से जेड का डिस्टेंस निकालते हैं जेड से वाई का डिस्टेंस निकालते हैं यही बात है अगर हम एक्स से जेड ले यहाँ ले ले हम डी ऑफ एक्स जेड ले ले ठीक है तो इसके बीच में हम एक वाई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फिर यहाँ हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा एक्स से वाई एंड प्लस वाई से जेड ठीक है तो जरूरी नहीं है आपको वेरिएबल इसी सीक्वेंस में लेने हैं आप वेरिएबल किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हो तो यहाँ से हमने उठा लिया डी ऑफ एक्स जेड बीच में वाई को इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये बन जाएगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड ठीक है अब डी तो मीट्रिक है मीट्रिक है तो डी ऑफ वाई जेड किसके होगा बाई थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी से ये किसके इक्वल हो जाएगा डी जेड वाई के इक्वल यहाँ से आप निकालें डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई अब यहाँ तक तो छोड़ दें इसको एक कंडीशन मान के अब दूसरी उठा लेते हैं हम डी ऑफ जेड वाई डी ऑफ जेड वाई अब डी मेट्रिक है इसमें भी हम बीच में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमने इसमें बीच में एक्स लगा दिया तो ये हो जाएगा जेड से एक्स तक का डिस्टेंस प्लस एक्स से वाई तक का डिस्टेंस अब क्योंकि डी मेट्रिक है तो डी जेड एक्स किसके गोल हो जाएगा डी एक्स जेड के यहाँ से अगर हम इसको लेके जाएं इधर पे तो टी एक्स एड वाई क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई ठीक है यहाँ से अगर हम नेगेटिव ले कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई अब देखो इसको और इसको इक्वेशन को कम्बाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन माइनस ऑफ डी एक्स जैड माइनस होल माइनस से बाहर माइनस डी जेड वाई इज लेस than equals टू डी एक्स वाई डी एक्स वाई इज अगेन लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जैड माइनस डी वाई ठीक है तो ये चीज़ आ गई हमारे पास यानी कि अगर इसको देखें तो ये क्या हो गया माइनस के इज़ लेस देन इक्वल टू एफ लैस दैन इक्वल्स टू के और इसको कैसे लिखते हैं मोड ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू तो के तो ये वाली चीज़ यहाँ अप्लाई कर दो तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा मोड ऑफ डी एक्स जेड माइनस टी जेड वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू डी एक्स वाई या फिर इसको उल्टा करके लिख लो डी एक्स वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू मोड डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई ये चीज़ हमें प्रूव करनी है ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में अगर आप यहाँ से इसमें छोटा सा नोट है नोट में क्या लिख रखा है कि अगर आप इसको ट्राइंगल इन से कंपेयर करो ट्राएंगल इन हमारी क्या आती है थी कि, कि किसी भी ट्रैंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है ठीक बड़ा तो रहेगा अगर ट्राइंगल की फॉर्म में होगा लेकिन अगर वो एक लाइन पर आ जाए मतलब पॉइंट्स को लीनियर हो जाएँ तो इक्वालिटी आ जाती है यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का जो डिफ्रेंस होता है वो लेस देन होता है तीसरी साइड से ठीक है और इक्वालिटी कब आएगी जब वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाएं कर जाएंगे। तो इस नोट में हमारे पास यही लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक सेट uh, गिवन है सीक्वेंसेस का, ठीक है एक्स विद ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, एक्स एक्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स, एक्स वी डिफाइन लिमिट डी एक्स वाई को हमने डिफाइन कर रखा है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिटी एक्स एंड माइनस वाई देन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिमिट एंड मॉडल वी कैन सी दैट प्रॉपर्टीज वन थ्री एंड फोर ऑफ मेट्रिक आर सेटिसफाइड बट टू इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि एक ऐसी मेट्रिक है जिसमें हमारी पहली तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है बट इसकी दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती मेट्रिक की दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी कि डी एक्स वाई जो है वो ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई तो इस वाली मेट्रिक के केस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती मीन्स ओनली वन साइड से ट्रू होती है वन साइड कौन सी कि अगर एक्स वा इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई ज़ीरो होगा लेकिन अगर डी एक्स वाई ज़ीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई हो ऐसा जरूरी नहीं है ये इस केस में है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है तो जब भी ऐसा हमारे पास केस आए कि फेल दिखाना हो तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं तो एक एग्जाम्पल से पहले इसको फेल करके दिखाते हैं देखो हमने ले लिया एक्स एक्स इज अ सीक्वेंस एक्स एन क्योंकि सिक्वेंसिस का सेट है ना एक्स एन हमने ले ली वन अपॉन एन वाई वाई इज़ अ सीक्वेंस दैट इज़ जीरो सीक्वेंस नल सीक्वेंस है इसकी सारी टर्म्स जीरो हैं अगर हम डी एक्स वाई निकालें जो डिफाइन कर रखा है डी एक्स वाई क्या है लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन यहाँ वैल्यू पुट कर दो एक्स एन की वैल्यू वन अप एन वाई एन की वैल्यू जीरो जीरो करेंगे तो वन अपन एन ही बचेगा लिमिट निकाली लिमिट एन इन्फिनिटी करेंगे वन अप इन्फिनिटी कितना आ जाएगा जीरो जीरो मोड टू जीरो यानी कि डी एक्स वाई तो आ गया जीरो पर क्या एक्स वाई इक्वल है एक्स तो वन बाई एन है वाई ज़ीरो है इट मीन्स वन बाई एन इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो तो, तो यहाँ से क्या हुआ कि डी एक्स वाई तो जीरो है बट एक्स वाई इक्वल नहीं है तो ये आपके पास मे मेट्रिक की दूसरी प्रॉपर्टी फेल हो गई ठीक है तो मीट्रिक की दूसरी प्रॉपर्टी फेल हो गई तो क्या ये मीट्रिक नहीं है ठीक है इस टाइप के जो केसेस थे इस टाइप के जो डिस्टेंसेस थे उनको हैंडल करने के लिए हमें मिला एक सेमी सेमीमीट्रिक स्पेस इसको बोलते हैं शूडोमीट्रिक स्पेस या सेमी सेमीमीट्रिक स्पेस जिन केसेस में हमारे पास क्या होता है कि मीट्रिक की दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती मतलब वो एक साइड से सेटिस्फाई होती है कि अगर हमारे पास डी एक्स वाई एक्स इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई ज़ीरो रहेगा बट अगर डी एक्स वाई ज़ीरो है तो जरूरी नहीं है एक्स इक्वल टू वाई हो तो उस टाइप के केसेस को हैंडल करने के लिए हमें मिला सेमीमीट्रिक सेमी सेमी स्पेस 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 क्या होता है? होता है? है, तो एक ही है. वही चार प्रॉपर्टीज होती हैं, सिर्फ सेकेंड प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेमी स्पेस नॉन एम्प्टी सेट जैसे मेट्रिक स्पेस में भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक फंक्शन डिफाइन होता है डी ठीक है यहाँ भी क्या है एक फंक्शन डिफाइन है डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर ये सेमी सेमीमेट्रिक स्पेस होगा अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे पहली सेम प्रॉपर्टी डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो तीसरी सेम डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स चौथी सेम ट्राइंगल इन इक्वालिटी डी एक्स वाई इज लेस दैन इक्वल टू तो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई सिर्फ सेकेंड में डिफरेंस है सेकंड में वहां पर हमारे पास इफ एंड ऑन लिफ का साइन होता है यहाँ हमारे पास क्या है कि अगर एक्स वाई इक्वल है तो डी एक्स वाई ज़ीरो होगा ठीक है तो ये हो गया हमारा सेमी मेट्रिक स्पेस अब इसी पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्टीन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए शूडोमीट्रिक स्पेस या फिर सेमोमीट्रिक स्पेस विच इज नॉट अ मेट्रिक स्पेस एक एग्जाम्पल दो एक मेट्रिक स्पेस का जो सेमोमीट्रिक स्पेस है बट मेट्रिक स्पेस नहीं है तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं लेट एक्स बी द क्लास ऑफ ऑल रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस एक्स नॉन एम सेट होता है ना तो यहाँ हमने सेट कैसा लिया उसमें सारे के सारे फंक्शंस हैं जो कैसे हैं रिमान इंटीग्रेबल है रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस एफ फ्रॉम क्रॉस इंटरवल जीरो टू वन इंटू आर अब सेट तो मिल गया एक डिस्टेंस फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन डिफाइन कर लो डी फ्रॉम एक्स क्लोज एक्स टू आर सच दैट डी ऑफ एफ एफ जी की दो फंक्शंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे डिफाइन है जीरो टू वन मोड एफ माइनस जी एक्स या फिर जीरो टू वन एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स तो ये जो डी यहाँ पे डिफाइन है ये डी हमारे पास कैसा है शूडोमीट्रिक स्पेस है या फिर सेमोमीट्रिक स्पेस है कि ये तो हो गया एग्जाम्पल अभी हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि ये जो है वो सेमी मेट्रिक है मेट्रिक नहीं है तो इसको प्रूफ करके दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा सेमी मेट्रिक की चार प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी ठीक है अब पहली प्रॉपर्टी के लिए देखो अगर पहली से शुरू करें या फिर हम क्या करते हैं चौथी से शुरू कर देते हैं देखो चौथी प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए होता है तीन फंक्शंस चाहिए होती हैं तीन फंक्शंस उठा लिए एफ जी एच एक्स अब डी ओफ एफ जी की अगर बात करें डी एफ जी कैसे डिफाइन है जीरो टू वन मोड़ एफ माइनस जी यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इसमें क्या करते हैं एच एक्स को ऐड कर देते हैं एच एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मोड़ की डेफिनेशन लग जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगा मोड़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मोड़ एक्स प्लस मोड़ वाई ठीक है इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स पे अलग अलग हो जाएगा जीरो टू वन एफ एक्स माइनस एच एक्स जीरो टू वन एच एक्स माइनस जी एक्स अब बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा एफ एच एंड डी ऑफ एच जी तो ये बन गया डी एफ जी इज लेस देन इक्वल टू डी एफ एच प्लस डी एच जी तो मीटर की चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ठीक है अब शूडो मीटर के लिए दिक्कत कहाँ आनी चाहिए सेकंड प्रॉपर्टी में दिक्कत आनी चाहिए तो दूसरी को चेक कर लेते हैं देखो दूसरी में अगर हम क्या करें एफ को जी के इक्वल लेके चलें एफ और जी इक्वल है इट मीन्स क्या होगा एफ़ माइनस जी इक्वल टू जीरो या फिर आप बोल सकते हो एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड भी ज़ीरो होगा ठीक है यानी कि अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड जीरो है इसको हम यहाँ पुट कर दें एफ एक्स माइनस जी एक्स मोड जीरो तो क्या हो जाएगा डी एफ जी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो अब आ, आपके पास यहाँ से हमारे पास क्या बन गया जीरो टू वन एफ एक्स माइनस जी एक्स भी जीरो हो जाएगा ठीक है इसका इंटीग्रेशन अब ये जीरो है इट मीनस डी एफ जी भी हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो एक साइड से तो ट्रू हो गई अब दूसरी साइड से हमें क्या दिखाना है कि ये दूसरी साइड से ट्रू नहीं है अगर ये दूसरी साइड से ट्रू नहीं हुआ तभी तो शूडो मीट्रिक बनेगा अगर दूसरी साइड से भी ट्रू हो गया तब तो ये कम्प्लीट मीट्रिक स्पेस बन जाएगा ठीक है और इससे सिंपल मीट्रिक स्पेस बन जाएगा पूरा ये अब देखो अगर हम लेके चलें कि डी एफ जी जीरो है तो फिर चेक करते हैं क्या एफ और जी इक्वल हैं अब डी एफ जी इसके लिए हमें क्या दिखाना है क्योंकि फेल कराना है तो हमें एग्जाम्पल चाहिएगा ठीक है तो हमने एफ एक फंक्शन लिया कि जब एक्स ज़ीरो होगा तो वो टू वैल्यू लेगा जब एक्स जीरो से वन के बीच में होगा तो वो जीरो वैल्यू लेगा इसी तरह से जी फंक्शन डिफाइन किया जब एक्स जीरो होगा तो वन वैल्यू लेगा जब जीरो से वन के बीच में होगा तो जीरो वैल्यू लेगा अब अगर हम एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालें एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालें तो वो क्या बनेगा देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के लिए टू माइनस वन वन जीरो माइनस जीरो करेंगे तो जीरो ही रहेगा ठीक है एफ माइनस जी अब हमारे पास क्या है रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन हैं क्यों रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन हमारे पास हमने करे हैं वहाँ पे हमारे पास क्या था कि अगर किसी फंक्शन के पास फनाइट पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी हो तो वो रिमान इंटीग्रेबल होता है अगर इस फंक्शन की हम बात करें तो इसकी डिस्कॉन्टीन्यूटी कहाँ पे है सिर्फ जीरो पे हमारे पास है जीरो पे इसकी डिस्कॉन्टीन्यूटी है तो ये हमारे पास कैसे फनाइट पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टीन्यूटी है तो फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा ठीक है फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो गया अब लेके चलो डी एफ जी की बात डी एफ जी हमने ले लिया डिफाइन है जीरो टू वन एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स ऐसे डिफाइन है हमारे पास ठीक मोड है मोड़ फंक्शन है मोड़ को हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इसको लिख सकते हैं एफ माइनस जी एक्स डी एक्स इट मीन्स हमें करना क्या है जीरो से वन के बीच में एफ माइनस जी का इंटीग्रेशन करना है तो पहले तो जीरो से वन के बीच में एफ माइनस जी फंक्शन देखो जीरो से वन के बीच में एफ़ माइनस जी है क्या जीरो तो ये तो सारा फंक्शन ही जीरो है तो हमारे पास कितना आंसर आएगा ज़ीरो मीन्स डी एफ जी कैसा आ गया ज़ीरो आ गया अब डी एफ जी तो ज़ीरो है बट क्या एफ और जी इक्वल है नहीं इक्वल है यहाँ पे टू वैल्यू ले रहा है यहाँ पे वन वैल्यू ले रहा है इट मीन्स डी एफ जी इज ज़ीरो बट बट एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू जी तो हमारे पास इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई मीट्रिक की लेकिन शूडोमीट्रिक स्पेस की सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो इट मीन्स ये जो हमारे पास डिफाइन था ये हमारे पास क्या है मीट्रिक स्पेस नहीं है बट सेमी मेट्रिक स्पेस है ठीक तो ये हमारे पास था सेमी मीट्रिक स्पेस एंड इंड्यूस्ड मीट्रिक इंड्यूस्ड मीट्रिक को हमने दूसरी जो गिवन मीट्रिक थी उससे इंड्यूस किया है और शूडोमीट्रिक स्पेस में हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आया है ठीक है तो यहाँ तक अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट आता है तो वो गूगल मीट में पूछ सकते हैं